हेलो एवरीवन, जॉन मिल्टन के जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं जॉन मिल्टन के, उसको हम कंटिन्यू करेंगे आज। और आज लाइव क्लास नहीं हो पा रही है बिकॉज नेटवर्क इशू की वजह से ये लाइव क्लास नहीं हो पा रही है। सो मैंने इसको सोचा प्रीमियर लगा दिया जाए जिससे आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को देख सकें और पढ़ सकें, क्योंकि लाइव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती और आज नेटवर्क इशू बहुत है इस वजह से। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जो मिल्टन के अभी तक हमने 90 क्वेश्चन कर लिए थे मिल्टन के, आगे से स्टार्ट करते हैं। इसको हम कंप्लीट करते हैं, जो आपका PYQ है इसको हम लोग कंप्लीट जल्दी से कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखेंगे जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। वैसे मैंने अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, शेक्सपियर, मिल्टन, फोर राइटर्स पे तो बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, वो आपके प्रीवियस ईयर के नहीं हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और जो मैंने मैराथन दिया है ना, मैराथन आपके फोर राइटर पे नहीं तो तीन राइटर पे तो आपको मैराथन मिल चुका है, वो सारे ही आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए हैं। इक्का दुक्का हो सकता होगा उसमें प्रीवियस है, लेकिन सारे ही अपकमिंग एग्ज़ाम के हैं। सो स्टार्ट करते हैं। वेयर वॉज जॉन मिल्टन बॉर्न? तो जॉन मिल्टन कहाँ पैदा हुए थे ये पूछा जा रहा है। जॉन मिल्टन कहाँ पैदा हुए थे? हाँ, तो ये बताना है कि जॉन मिल्टन कहाँ पैदा हुए थे। तो याद रखिएगा, जॉन मिल्टन 9 दिसंबर 1608 में ये पैदा हुए थे। और कहाँ पैदा हुए थे? लंदन में पैदा हुए थे, तो ये याद रखिएगा। 9 दिसंबर 1608 में ये पैदा हुए थे, मतलब ब्रेड स्ट्रीट चीफ साइट लंदन इंग्लैंड में ये पैदा हुए थे। ओके, और इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी, शुरुआती जो अर्ली एडुकेशन इनका हुआ था, ही वॉज एडुकेटेड एट सेंट पॉल स्कूल देन एट क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट? किसकी याद में मिल्टन ये लिखते हैं? मिल्टन किसकी याद में ये किसकी याद में मिल्टन ने ये लिखा है? मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस्ड सेंट, मुझे लगा कि मैं अपने दिवंगत सहयोगी संत को देखा। इसका ये मतलब, वो ये किसकी याद में उन्होंने लिखा है ये बताना है। तो किसकी याद में उन्होंने लिखा है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। उनकी जो सेकंड वाइफ हैं कैथरीन उडकॉक, जिनसे उन्होंने 1656 में शादी की थी, मैरी पोवल की डेथ के बाद, जिनसे उन्होंने 1656 में शादी की थी। मैरी पोवल की डेथ हुई थी 1652 में, और 1656 में इन्होंने रीमैरिज की थी, यानी कि कैथरीन उडकॉक से इन्होंने शादी की थी। और आफ्टर सम टाइम ही लेफ्ट हिम एंड देन ही रोट टू स्ट्रॉन्ग पैम्फलेट ऑन डाइवोर्स एंड सेड इट इन। मतलब कुछ साल बाद ये तो छोड़ के इनको चली गई, कुछ समय बाद में इन्होंने क्या लिखा? दो स्ट्रॉन्ग पैम्फलेट लिखे, डाइवोर्स पे लिखे। ओके, नेक्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिड मिल्टन प्रोमोट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप? यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे ये कह क्या रहा कि मिल्टन ने अपने निम्नलिखित में से मिल्टन ने अपने किस वर्क में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया है और लाइसेंसिंग और सेंसरशिप का विरोध किया है। इसका ये मतलब है किस में उन्होंने किया है ये बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो आपका बी हो जाएगा। एरोपेजिटिका की बात हो रही है यहाँ पे, जो कब आया था? 1644 में आया था ये। इनका प्रो स्ट्राइक था जो लिबर्टी ऑफ प्रेस या फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए जाना जाता है, जिसमें उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच का उन्होंने प्रमोट किया था, और अपोज किसका किया था? लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप का। चलिए नेक्स्ट वन। पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइज बुक्स, कितने बुक से मिलकर पैराडाइज लॉस्ट बना हुआ है? तो ये बताना है। राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, 12। यहाँ पे बस जनरली ये पूछा है कि पैराडाइज लॉस्ट कितनी बुक से मिलकर बना है, तो 12। अगर ये पूछता पैराडाइज लॉस्ट का, ये पूछा जाता कि ओरिजिनली इशू कब हुआ था, पैराडाइज लॉस्ट ओरिजिनली इशू कब हुआ था, तो कितनी बुक्स में हुआ था, तो 10 बुक्स में आप वहाँ पर बता सकते हैं। कितने बुक्स में हम बता सकते हैं? 10 बुक्स में। बट यहाँ पे कोई ओरिजिनली नहीं पूछा गया, तो इसलिए हम 12 बताएंगे। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और ओरिजिनली अगर पूछा तो 10 बुक्स में कब पब्लिश हुआ था, तो 1667 में ये पब्लिश हुआ था विद 10 बुक्स। ओके, बाद में 7 और 10 बुक को स्प्लिट करके बुक 12 बनाया गया था। तो ये चीज़ मैंने कितनी बार बता दिया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। पैराडाइज लॉस्ट रिटन इन, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट किस में लिखा गया है,
तो ऑब्वियसली ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है पैराडाइज लॉस्ट. पैराडाइज लॉस्ट रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स. ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है? एक अनराइम्ड वर्ड्स होता है जो आयम्बिक पेंटामीटर में होता है, जिसमें राइम नहीं होता है. ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है? एक अनराइम्ड वर्ड्स होता है, मतलब ऐसी कविता जिसमें राइम ना हो बस, और किसमें हो? आयम्बिक पेंटामीटर में, उसे ब्लैंक वर्ड्स कहते हैं. ओके, इज जनरली नोन एज ब्लैंक वर्ड्स. तो पैराडाइज लॉस्ट में ये यूज़ किया गया है आपका ब्लैंक वर्ड्स. चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं. द फेमस लाइन व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट एंड सॉरी ऑल इज़ नॉट लॉस्ट इज स्पोकन बाय. ये जो फेमस लाइन है ये किसके द्वारा बोली गई है कि व्हाट दो क्या हुआ द फील्ड बी लॉस्ट, क्या हुआ जो हम हार गए. ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सब कुछ तो नहीं हारा है. मतलब जब शैतान हार जाता है तो अपने वो साथियों से, अपने बाकी एंजल से बोलता है, डेविल बोल सकते हैं, बाकी डेविल से बोलता है कि क्या हुआ हम हार गए हैं, सब कुछ नहीं खोया गया, अभी तक तुम्हारे अंदर जो साहस है वो तो बचा है. तो ये शैतान के द्वारा बोला जाता है पैराडाइज लॉस्ट में. ओके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा. नेक्स्ट आपको देखेंगे मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट विद. तो मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट जो बुक फर्स्ट है वो किसके साथ शुरू करते हैं ये बताना है. तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनोकेशन के साथ शुरू करते हैं. इनोकेशन मतलब आह्वान करते हैं, बुलाते हैं. ठीक है, जैसे इनोकेशन मतलब जैसे आप कोई मूवी देखते हो, तो जैसे मूवी स्टार्ट होती है तो शुरुआत में ही आप देखेंगे कि ईश्वर की जो तस्वीरें रहती हैं वो दिखाया जाता है उसमें. ओके, तो वो आप समझ सकते हो वहाँ से कि जैसे मूवी का कोई सीन है शुरुआत में ही दिखाया जाता है. तो उसी तरह मिल्टन जब पैराडाइज लॉस्ट शुरू होता है तो इन्वोक करते हैं देवी को. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ठीक है, तो ये चीज़ें देख लीजिएगा. यहाँ पे जो बातें हो रही थी ये वाले क्वेश्चन में कि इन्वोक क्या होता है, थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझेंगे. मतलब मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में बुक वन में शुरुआत की थी एक, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं मंगलाचरण से. मंगलाचरण क्या होता है? ये एक महाकाव्य की शुरुआत में प्रेरणा, सहायता और मार्गदर्शन के लिए जो म्यूज के लिए एक औपचारिक प्रार्थना होती है उसे इन्वोकेशन बोलते हैं. मैंने सिंपली समझा दिया, मूवी स्टार्ट होती है तो शुरुआत में जो ईश्वर की पिक्चर दिखाई जाती है वही आपका इन्वोकेशन है. ओके, द वर्ल्ड दैट कम्प्लीट्स द वर्ड दैट कम्प्लीट द फेमस लाइन बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन. यहाँ पे आपको कम्प्लीट करना है कि ये जो वर्ड है बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन, आगे आपको कंप्लीट करनी है लाइनें कि नर्क में सेवा करने की तुलना में शासन करना बेहतर कहाँ पे है ये बताना है. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वर्ग में सेवा करने से बेहतर है कि हम नर्क में शासन किया जाए. ये जो लाइनें हैं यही पूरी लाइनें हैं, तो हैवन हो जाएगा यहाँ पे. राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैवन हो जाएगा. ओके, चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाय व्हाट एज हैड मिल्टन बिकम टोटली ब्लाइंड. तो किस एज में मिल्टन टोटली ब्लाइंड हो गए थे? तो मैंने बताया था ना 44 की एज में ये टोटली ब्लाइंड हो गए थे. 1652 में ये ब्लाइंड हो गए थे, उस समय इनकी 44 साल की एज थी, ये टोटली ब्लाइंड हो गए थे. और 1652 में एक और घटना घटी थी, इनकी फर्स्ट वाइफ मैरी पोवल की डेथ हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम. व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस्ट. जो सैमसन एगोनिस्ट है ये किस प्रकार का वर्क है ये बताना है. तो एक वर्ड्स प्ले है. क्या है? एक वर्ड्स प्ले है. और इट अपीयर्ड विद द पब्लिकेशन ऑफ मिल्टन्स, ये याद रखिएगा, मिल्टन के पैराडाइज रिगेन इन 1671. मतलब ये अपीयर किसके साथ हुआ था? मिल्टन का पैराडाइज रिगेन के साथ ये 1671 में अपीयर हुआ था. एज द टाइटल पेज ऑफ दैट वॉल्यूम स्टेट पैराडाइज रिगेन. ओके, अ पोएम इन पैराडाइज रिगेन क्या है? एक पोएम है, एक एपिक है जो फोर बुक्स में है. ओके, जिसमें एडिट था सैमसन एगोनिस्ट्स. चलिए नेक्स्ट. इन विच ईयर मिल्टन लिसिडस वॉज रिटन. तो किस साल, कौन सी ईयर में मिल्टन ने लिसिडस को लिखा था? तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा. 1637 में उन्होंने लिखा था. तो मिल्टन ने लिसिडस को तो लिखा 1637 में, जो कि एक पेस्टोरल एलजी है. और ये डेडिकेटेड किसको है? एडवर्ड किंग. एडवर्ड किंग कौन है? मिल्टन के दोस्त हैं. हु वॉज ड्राउंड वेन ही सिप शैंक इन द आयरिश सी ऑफ द कोस्ट ऑफ वेल्स इन ऑगस्ट 1637. तो ये याद रखिएगा कि मिल्टन जो उनके दोस्त हैं वो ड्राउन हो गए थे, उनकी जो शिप थी वो शैंक हो गई थी आयरिश सी में. और आयरिश सी में कहाँ पे शैंक हो गई थी? द कोस्ट ऑफ वेल्स. और अगस्त के महीने में उनकी डेथ हो जाती है. और इस पोयम में 193 लाइंस है, ये भी याद रखिएगा.
ओके 193 लाइंस है इस पोएम में। चलिए फिर नेक्स्ट, ये याद रखिएगा 193 लाइंस है इन लेंथ, इन लेंथ ये याद रखिएगा। एंड इज इरेगुलरली राइम्ड, और ये किस में लिखा गया है, इरेगुलरली राइम्ड में। चलिए नेक्स्ट, हु इज़ द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन का राइटर कौन है, तो जॉन मिल्टन है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन ये मिल्टन का अनफिनिश्ड प्रोज वर्क है, ये याद रखिएगा, ये मिल्टन का अनफिनिश्ड प्रोज वर्क है। और ये पब्लिश कब हुआ था, तो 1617 में ये पब्लिश हुआ था, और ये अनफिनिश्ड वर्क है, ये याद रखिएगा, मिल्टन का ये अनफिनिश्ड वर्क है, अनफिनिश्ड प्रोज वर्क है। ओके चलिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिल कंप्लीट द सेंटेंस, मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज, यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट करना है कि मिल्टन की जो पोएटिक स्टाइल है वो जनरली मानी जाती है, किस रूप में जानी जाती है ये बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ग्रैंड के रूप में जानी जाती है मिल्टन की पोएटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज ग्रैंड। इट इज़ अ स्टाइल, मतलब ये क्या होता है, एक स्टाइल होती है, ये स्टाइल होती है एक प्रकार की, मतलब एक लेखन की एक शैली होती है जो आमतौर पर महाकाव्य कविताओं में या फिर कवियों को क्या की जाती है, आवंटित की जाती है। भव्य शैली में जैसे उच्च गरिमा, यानी कि इसका क्या हो जाता है कि ग्रैंड स्टाइल इन्वॉल्व जैसे लॉफ्टी डिग्निटी रहता है, एलोकेंस रहता है, सब्लिमिटी रहती है। अच्छा एक चीज़ और बता सकते हैं कि ये जो ग्रैंड स्टाइल है ना, इसको याद रखिएगा, ग्रैंड स्टाइल, ग्रैंड स्टाइल ये जो टर्म है इसको क्वाइन करने वाले कौन हैं, तो याद रखिएगा वॉज क्वाइंड बाई मैथ्यू अर्नोल्ड, ये याद रखिएगा मैथ्यू अर्नोल्ड। ओके तो ग्रैंड स्टाइल ये जो टर्म है, ये जो टर्म है इनको क्वाइन करने वाले कौन हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड है। ओके चलिए नेक्स्ट वन, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाई, चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि लाइफ ऑफ मिल्टन ये किसने लिखा है, तो राइट आंसर यहाँ पे ई हो जाएगा, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखा है लाइफ ऑफ मिल्टन। यस, लाइफ ऑफ मिल्टन ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन द्वारा लिखी गई है। जॉन मिल्टन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों से उनको नफरत, वो बहुत नफरत करते थे, किससे, जॉन मिल्टन के जो लोकतांत्रिक सिद्धांत थे उससे बहुत नफरत करते थे, और उनके अव्यवहारिक दर्शन से वो बहुत घृणा करते थे। अधिकांश जीवन को वो तीन भागों में बांटा जा सकता है। ओके इस वजह से वो ये लाइफ ऑफ मिल्टन उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि जॉन मिल्टन्स की एल एलिग्रो इनवोक्स विच ग्रेस विद हुम ही मीन्स टू लाइव, ये बताना है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जॉन मिल्टन की एल एलिग्रो किस अनुग्रह का आह्वान करती है, उसे किसके साथ रहना है, ठीक है, मतलब जॉन मिल्टन का जो एल एलिग्रो है ये किस किसका इन्वोक करती है, किस अनुग्रह का ये इन्वोक करती है, उसे किसके साथ रहना है, मिर्थ के साथ, जॉय या हैप्पीनेस या लव के साथ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मिर्थ हो जाएगा, ये याद रखिएगा मिर्थ हो जाएगा। ओके तो एल एलिग्रो क्या है, एक पेस्टोरल पोएम है जॉन मिल्टन की, जो पब्लिश कब हुई थी, 1645 में ये पब्लिश हुई थी, याद रखिएगा। इसके साथ इसकी एक कंपेनियन पोएम भी थी, जो इसको कंपेनियन पोएम भी बोल सकते हो, कंपेनियन सिस्टर भी बोल सकते हो, इल पेंसेरिसो, वो भी पब्लिश हुआ था 1645 में। एल एलिग्रो मीन्स क्या होता है, द हैप्पी मैन, एल एलिग्रो मतलब क्या होता है, द हैप्पी मैन, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो पोएम है वो इन्वोक्स करती है मिर्थ को, ये चीज़ें कहा जा रहा है यहाँ पे कि इस दर्शन के अनुसार कविता जो है वो आनंद और अन्य खुशी के उल्लास की आकृतियाँ, जैसे ग्रामीण इलाकों में एक दिन का चित्रण करते हुए सक्रिय और खुशहाल जीवन की प्रशंसा करती है। ओके मिर्थ क्या है, एक अनुग्रह के रूप में पुनर्जागरण सहित के भीतर कविता से जुड़ा हुआ है, और कविता अपने रूप में सामग्री में बैकस और डिथ्रैप्स या वीनस के भजन का समान है, तो ये याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट वन आगे बताना है यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज मनुआ रिपोर्ट द एंड ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट इन मिल्टन्स सैमसन एगोनिस्टिस, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मनुआ निम्नलिखित में से किसका रिपोर्ट करता है, मिल्टन के सैमसन में नायक का अंत, ये बताना है किसका रिपोर्ट करता है।
तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। कॉम ऑफ माइंड ऑल पैशन स्पेंट, मन शांत करना सारा जोश ख़त्म हो जाना, ये मनोवा बोलता है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सैमसन एगोनिस्टिस क्या है ये याद रखिएगा। सैमसन एगोनिस्टिस क्या है, एक ट्रेजिक क्लोसेट ड्रामा है जिसे क्या कहा जाता है कि ड्रामा टू बी रेड नॉट परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। क्लोसेट ड्रामा मतलब होता है ऐसा ड्रामा जिसे पढ़ा जा सके ना कि स्टेज पे परफॉर्म किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ हिज ट्रैक डज मिल्टन से, अपने किस ट्रैक में मिल्टन कहते हैं, अपने किस ट्रैक में मिल्टन ने कहा है ही हु डिस्ट्रॉयज अ गुड बुक, कहा कहते हैं कि वह जो एक अच्छी किताब को नष्ट कर देता है, किल्स रीजन इट्सेल्फ, वह तर्क, आगे क्या कहा जा रहा है, वह तर्क को ही मार देता है, किल्स द इमेज गॉड एज इट वर इन द आई, भगवान की छवि को वैसे ही मार देता है जैसे वह आंखों में थी। तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, ये मिल्टन के किस ट्रैक की लाइनें हैं, मतलब मिल्टन ने अपने किस ट्रैक में कहा है ये चीज़ें। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, एरियोपैजिटिका में उन्होंने कहा। यहाँ पे देख सकते हैं बुक की बात हुई है तो एरियोपैजिटिका में ही बात हुई है। ओके, एरियोपैजिटिका क्या है, एक इनका प्रोस ट्रैक है 1644 में आया है, जो इसमें उन्होंने लाइसेंसिंग सेंसरशिप को अपोज किया है, फ्रीडम ऑफ प्रेस को उन्होंने सपोर्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ थॉमस ग्रे रेफरिंग टू इन हिज लाइन। थॉमस ग्रे इस लाइन में किसे रेफर करते हैं, नॉट सेकेंड ही दैट रॉड सब्लाइम अपॉन द सेरेफ विंग्स ऑफ एक्सटेसी फ्रॉम द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी। उन्होंने अपने वर्क प्रोग्रेस ऑफ पोएजी में ये जो लाइनें हैं ना, स्पेशली ही उन्होंने किस कवि को कहा है, किसको कहा है, ये चीज़ें बता रहा है, किसे कहा है यहाँ पे ही, तो मिल्टन को ही कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल्टन। ओके, तो इट वॉज जॉन मिल्टन टू होम थॉमस ग्रे रेफरिंग इन द लाइन्स। ये लाइन ना उन्होंने किसे रेफर किया है, जॉन मिल्टन को। और ये याद रखिएगा, द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी ये थॉमस ग्रे की है, एक ग्रैंड पिंडेरिक ओड है। ये क्या है, एक ग्रैंड पिंडेरिक ओड है, ये एक ग्रैंड पिंडेरिक ओड है जो कब लिखी गई थी, तो याद रखिएगा 1751 एंड 1754 के बीच में ये लिखी गई थी, ये याद रखिएगा। रिटन बिटवीन 1751 एंड 1754 इज वन ऑफ द फ्यू रियली सक्सेसफुल एसेज इन दिस डिफिकल्ट फॉर्म। ठीक है, थॉमस ग्रे का। नेक्स्ट, मिल्टन की लिसिडस क्या है, तो मिल्टन की लिसिडस क्या है, एक एलजी है, ये याद रखिएगा। मिल्टन की लिसिडस एक एलजी है जिसे पेस्टोरल एलजी के नाम से जाना जाता है, 1637 में आया था, और ये अपीयर कब हुआ था, 1638 में हुआ था, 1637 में लिखा गया था, अपीयर हुआ था 1638 में, कहाँ हुआ था, कलेक्शन ऑफ एलजीज में, ये याद रखिएगा। 193 लाइन्स हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, हु डिसअप्रूव्ड मिल्टन्स लिसिडस फॉर इट्स इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे बताना है कि किसने मिल्टन के लिसिडस को उसकी अंतर्निहित असंभावना के लिए अस्वीकार कर दिया है, ये बताना है। मतलब किसने मिल्टन के लिसिडस को उसके इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी के लिए क्या कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ही कहा है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने मिल्टन के लिसिडस को उसकी अंतर्निहित असंभावना के लिए अस्वीकार कर दिया है। जॉनसन ने क्या कहा था, वेयर देयर इज लेज़र फॉर फिक्शन देयर इज अ लिटिल ग्रीफ, मतलब जहाँ कल्पना के लिए फुर्सत है वहाँ थोड़ा दुख है। इस पोयम में कोई प्रकृति, उनका क्या मानना था कि इस कविता में कोई भी प्रकृति नहीं है, कोई सत्य नहीं है, कोई कला नहीं है, क्योंकि कुछ भी नया इस कविता में नहीं है, इसका जो रूप है वो देहाती आसान अश्लील और इसलिए ये घृणित है, इसलिए वो घृणा करते हैं इस पोयम से। ये जो भी छवियां प्रदान कर सकता है वे बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है, और उसकी अंतर्निहित असंभावना हमेशा मन पर असंतोष पैदा करती है, ये किसने कहा था, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिसिडस के बारे में कहा था। ओके, इसलिए उन्होंने ये बात कही, और ये भी बात कही थी, वेयर देयर इज लेज़र फॉर फिक्शन देयर इज अ लिटिल ग्रेव। चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं।
इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट, इन शेक्सपियर स्कार्सली एनी। यहाँ पे क्या कह रहा कि मिल्टन में हमेशा प्रयास की झलक दिखती है लेकिन शेक्सपियर में शायद ही कोई, ऐसा किसने कहा है? दिस रिमार्क हैज़ बीन मेड बाई, ये रिमार्क किसके द्वारा दिया गया है कि मिल्टन में तो प्रयास की भावना, प्रयास की एक झलक दिखती है लेकिन शेक्सपियर में शायद ही बहुत कम दिखता हो, ऐसा किसने कहा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका विलियम हैजलेट। ये किसने कहा था? विलियम हैजलेट ने कहा था अपने एक से, इनका एक लेक्चर था, याद रखिएगा इनका एक लेक्चर था ऑन शेक्सपियर एंड मिल्टन, ऑन शेक्सपियर एंड मिल्टन, ओके इस चीज़ को याद रखिएगा, ये विलियम हैजलेट का लेक्चर है, ये विलियम हैजलेट का एक लेक्चर है, इसमें इन्होंने ये लाइनें कही हैं। चलिए नेक्स्ट वन, होम डज मिल्टन अक्यूज इन पैराडाइज लॉस्ट एज द सन्स ऑफ बेलियल फ्लोन विद इंसुलेंस एंड वाइन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में द सन्स ऑफ बेलियल, द सन्स ऑफ बेलियल, बेलियल एंड वाइन के रूप में किसे आरोप लगाया है, ये बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ये सभी हैं, डी इज़ करेक्ट। द एंग्लिकन क्लर्जी भी हैं, कैवलियर पोइट्स, इन पे भी लगाए हैं आरोप, इन पे भी लगाए हैं, अपोनेंट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, जो कॉमनवेल्थ के अपोनेंट थे उन पे भी लगाए हैं, सो डी इज़ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो बेलियल है, बेलियल क्या है, एक हेब्रू टर्म है, हेब्रू टर्म जो डेविल के लिए यूज़ होता है और मिल्टन ने इसका यूज़ किया है, तो ये याद रखिएगा। बेलियल जो है वो शैटन के, मतलब सॉरी, डेविल के लिए हेब्रू शब्द है, मिल्टन ने उसका उपयोग जो एंग्लिकन पादरी होते हैं, जो उनके एंग्लिकन क्लर्जी लोग हैं, या कैवलियर कोर्ट और महलों और विरोधियों में बुराई दिखाने के लिए उन्होंने किया था, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीटेड बाय मिल्टन। तो मिल्टन के द्वारा पैराडाइज लॉस्ट कब कंप्लीट किया गया था, तो बी इज़ करेक्ट हो जाएगा 1665 में, क्योंकि इन्होंने इसकी शुरुआत कब की थी, तो 1658 में इन्होंने इसको शुरुआत किया था, ये याद रखिएगा, इन्होंने शुरुआत किया था। देन 1665 में ये कम्प्लीट किए थे, इन्होंने कम्प्लीट किया था। देन 1667 में ये पब्लिश हुई थी विद 10 बुक्स के साथ, ये पब्लिश हुआ था, फर्स्ट एडिशन इसका आया था, फर्स्ट एडिशन, ये याद रखिएगा। और इसके बाद 1674 में इसका सेकेंड एडिशन आया था, सेकेंड इसका एडिशन आया था विद 12 बुक्स में। और कैसे बना था 12 बुक्स, तो बुक, ये याद रखिएगा, बुक 7 एंड बुक 10 को स्प्लिट करके बनाया गया था बुक 12, ओके। चलिए नेक्स्ट वन, मिल्टन वाज अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी टू क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज वर्क। तो मिल्टन ने मुख्यतः, मिल्टन को मुख्यतः क्रॉमवेल की सरकार में, सॉरी क्रॉमवेल की सरकार के लैटिन सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था, उनके किस वर्क के लिए किया गया था ये बताना है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनके किस वर्क के लिए मिल्टन को लैटिन सेक्रेटरी का पोजीशन मिला था, तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। क्योंकि जब पब्लिकली चार्ल्स फर्स्ट को बिहेडेड किया जाता है, उस समय जो जनता होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, कॉमनवेल्थ पीरियड में जब आता है, और उस समय चार्ल्स फर्स्ट को पब्लिकली बिहेडेड कर दिया जाता है, उसमें मिल्टन भी शामिल होते हैं, तो ये क्या होता है कि जो जनता होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है जब वो उनका सिर कलम कर दिया जाता है सबके सामने, तो वो डर जाती है, तो उस जनता को शांत करने के लिए मिल्टन ये वर्क लिखते हैं, ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। चलिए नेक्स्ट वन, सैमसन एगोनिस्ट सोज मिल्टन डिजायर टू ब्रिंग ओवर इन टू इंग्लिश। तो यहाँ पे बताना है कि सैमसन एगोनिस्ट मिल्टन की लाने की इच्छा को दर्शाता है, क्या चीज़ अंग्रेजी में, सैमसन एगोनिस्ट मिल्टन के अंग्रेजी में मिल्टन को लाने की क्या इच्छा दर्शाता है ये बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, द ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ ग्रीक ट्रेजिडी, ये चीज़ें हैं बी है, मतलब ग्रीक ट्रेजिडियों की गंभीरता और शांत गरिमा, ओके नेक्स्ट आगे देखते हैं।
यहाँ पे कहा जा रहा था कि वही सैमसन एगोनिस ने मिल्टन का एक अधिक महत्वपूर्ण और व्यक्तिगत विषय की ओर मुड़ते हैं, और उनकी जो प्रतिभा है वह सैमसन की कहानी को बदल देती है, जो इसराइल के शक्तिशाली चैंपियन था जो अब अंधा और तिरस्कृत था और फिलिस्तीनियों द्वारा उसको गुलाम के रूप में काम कर रहा था। तो कवियों का उद्देश्य अंग्रेजी में एक शुद्ध ट्रेजेडी को पूरा जुनून और संयम के साथ प्रस्तुत करना है, जो पुराने ग्रीक नाटकों में चिन्हित है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, एल एलिग्रो एंड इल पिंसेरिसो मीन क्या होता है। सिंपली दोनों कंपेनियन पोयम है, दोनों ही ये कंपेनियन ट्विन पोयम बोल सकते हैं, कंपेनियन पोयम बोल सकते हैं, ट्विन सिस्टर भी बोल सकते हैं। सो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, एल एलिग्रो इल पिंसेरिसो, एल एलिग्रो मीन सॉरी एल एलिग्रो मतलब क्या होता है, जॉयस मैन, हैप्पी मैन, और इल पिंसेरिसो मीन थॉटफुल मैन या मेडिटेटिव मैन। सो आपका सी इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, एल एलिग्रो और इल पिंसेरिसो ये ट्विन पोएम्स हैं, ट्विन सिस्टर हैं, विच मीन द जॉयस मैन एंड द मेडिटेटिव मैन। एल एलिग्रो विच मीन्स द जॉयस और हैप्पी मैन इज लाइक एन एक्सकर्जन इनटू इंग्लिश फील्ड्स, बट इन इल पिंसेरिसो अ क्वाइट थॉटफुलनेस टेक्स द प्लेस ऑफ प्योर जॉयस सेंसेशन ऑफ द मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट वन पे चलते हैं। जॉन मिल्टन की जो मैग्निफिसेंट ओड है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये लिखी गई थी, कब लिखी गई थी, मतलब जब लिखी गई थी तो मिल्टन उस समय कितने साल के थे ये बताना है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 21 साल के थे। जब जॉन मिल्टन वॉज एट दिस टाइम 21 ईयर्स ओल्ड, ही कंपोज दिस पोएम ऑन द मॉर्निंग ऑफ, इन्होंने लिखा था ऑन द मॉर्निंग ऑफ 25th ऑफ दिसंबर, ये याद रखिएगा, इन्होंने ये पोएम को 25th ऑफ दिसंबर 1629 को इन्होंने ये पोएम लिखी थी अपनी, और उस समय ये 21 साल के थे। नेक्स्ट, डी डॉक्ट्रिना क्रिश्चिना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ, ये बताना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो डी डॉक्ट्रिना क्रिश्चिना है वो किसकी रूढ़िवादिता पर संदेह व्यक्त करता है, किसकी ऑर्थोडॉक्सी पर वो डाउट करता है या किसकी रूढ़िवादिता पर संदेह व्यक्त करता है। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पैराडाइज रिगेन की, याद रखिएगा इस चीज़ को। ओके, पैराडाइज रिगेन। ओके, तो पैराडाइज रिगेन की रूढ़ी जो डी डॉक्ट्रिना क्रिश्चिना है ये पैराडाइज रिगेन की रूढ़िवादिता पर संदेह जताता है। ये अंग्रेजी कवि जॉन मिल्टन के एक धार्मिक ग्रंथ है जिसमें उनके धार्मिक विचारों को व्यवस्थित विवरण है। चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वॉज निक नेम्ड द लेडी ऑफ क्राइस्ट, द लेडी ऑफ क्राइस्ट बाई हिज फिलो अंडर ग्रेजुएट स्पॉट द करेक्ट नेम ऑफ द पोएट, ये बताना है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पोएट को उनको एक निक नेम मिला था द लेडी ऑफ क्राइस्ट, उनके फेलो अंडर ग्रेजुएट द्वारा बोला जाता था, तो किस राइटर को बोला जाता है द लेडी ऑफ क्राइस्ट या द लेडी ऑफ लाइट। राइट आंसर ए हो जाएगा, मिल्टन को ही बोला जाता था जब ये कॉलेज में थे, तो उस समय इनको, क्योंकि इनके जो ये बहुत ही सुंदर थे, इनका जो फेयर कलर था, इनके जो बाल थे वो कर्ल थे यानी कि घुंघराले थे, तो ये लड़कियों की तरह दिखते थे, तो इसलिए इन्हें लेडी ऑफ क्राइस्ट भी कहा जाता था, इन्हें लेडी ऑफ लाइट भी कहा जाता था। कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, लेडी ऑफ क्राइस्ट एंड लेडी ऑफ लाइट दोनों ही एक जैसा है। ओके, लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता था या लेडी ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं, बाय हिज फिलो अंडर ग्रेजुएट्स। सो ए इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है आज का। When the assault was intended to the city is a sonnet written by, ये जो है when the assault was intended to the city, ये एक सोनेट है मिल्टन, सॉरी ये एक सोनेट है किसके द्वारा लिखी गई है, तो मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। यस, मिल्टन के द्वारा ये सोनेट लिखी गई है। ओके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, मिल्टन के द्वारा ये सोनेट लिखी गई है। मतलब मिल्टन की 8 सोनेट थी ओरिजिनली अनटाइटल्ड, बट सब्सिक्वेंटली मोर कॉमनली व्हेन एजोल्ट वॉज इंटेंडेड टू द सिटी वॉज रिटन बाय द पोएट इन 16, ये याद रखिएगा कब आई थी ये, तो 1642 में आया था, ये 1642 में आया था एज अ फॉर्म ऑफ जोक। इसकी फॉर्म क्या थी कि ये एक जोक है। ओके, मतलब अ सीरियस जोक के रूप में ये आया था कि एक अ सीरियस जोक है, जब इसे डिस्क्राइब किया गया तो अ सीरियस जोक के रूप में, तो ये याद रखिएगा। तो ये थे लास्ट क्वेश्चन आपके आज के, थोड़े बहुत क्वेश्चन और रह गए हैं फिर हम देख लेते हैं, उसके बाद आपके गर्ल्स वर्दी रहेंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे।
तो आपको कैसे लगे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। वैसे मैं लाइव रहती थी तो बोलती थी, पता नहीं अब आप लोग करेंगे लाइक या नहीं, तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ओके चलिए, फिर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हीना इंग्लिश क्लासेस है, वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।